तो दोस्तों, जब भी हम किसी के नाम से रेलवे के द्वारा पार्सल भेजते हैं तो जिसके नाम पे पार्सल भेजना रहता है उसका एक आईडी प्रूफ मांगते हैं जिस पे बिल्टी बनती है। तो जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो देख रहे हो जैसा कि ऐसा एक बिल्टी बनता है जिसके नाम पे भी पार्सल भेजना होता है। और अपन तो खुद जाके बिल्टी सामने वाला को नहीं दे सकते, तो ये बिल्टी का फ़ोटो खींचते हैं और जिसके नाम पे भी रहता है उसको व्हाट्सअप करते हैं और सामने वाला ये बिल्टी जाके रेलवे के पार्सल ऑफिस में दिखाता है। फिर जो भी बिल्टी नंबर रहता है वो दिखाता है और SLR नंबर, जहाँ पर जिस बोगी में आपका पार्सल रखा होता है वहाँ का नंबर मिलता है। तो जो भी रेलवे के कुली होते हैं या फिर कर्मचारी जो भी होते हैं वो आपके पार्सल को निकालते हैं और आपको देते हैं, चेक करते हैं कि जिसके नाम पे पार्सल है उसका है या नहीं। तो जब भी आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे अपना पार्सल लेने के लिए, तो अपना आधार कार्ड, जो भी आप आईडी प्रूफ आपका रहता है वो लेके ज़रूर जाइए दोस्तों। या फिर नहीं लेके जाते तो उस समय आपको दिक्कत आ सकता है और आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। रेलवे में जब भी जाते हो वहाँ के जो पार्सल वाले होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूटने की पूरी कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। आप इसका ओरिजिनल बिल्टी दो या फिर अपना आधार कार्ड दो या फिर ये जो बर्थ से मंगा है वो इसका हेल्थ सर्टिफिकेट दो, यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट मांगता है। ऐसा ऐसा करके आपको बहुत गुमराह करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूटने की कोशिश करेंगे। तो इस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, जो भी रेलवे के पुलिस कर्मचारी हैं उनसे सीधा जाना है उनके पास और बताना है कि भाई हम ऐसा पार्सल मंगा रहे हैं लेकिन यहाँ के कुली या फिर जो कर्मचारी हैं हमसे इतना इतना पैसा मांग रहे हैं। उनका उतना ज़्यादा पैसा नहीं बनता, आप अपने तरफ से खुशी से 100-200 दे सकते हो। लेकिन मैं एक केस बताता हूँ, मुंबई में एक आंटी को अपन पार्सल भेजे थे, उनको वो डरा धमका के लगभग 5,000 रुपये वसूल कर लिए दोस्तों। तो ऐसा चीज़ बेकार लगता है, इस कारण ये वीडियो में बताना ज़रूरी समझा कि जब भी आप रेलवे स्टेशन जाओ अपना पार्सल छुड़वाने तो सतर्क और सावधान ज़रूर रहे। चलिए फिर दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जब हम ये जो आप वीडियो स्क्रीन पर बर्ड्स देख रहे हो, खीरी कलर पैरेट बिग के टेम्पर टेल के, ये टोटल 8 बर्ड्स हैं जिसको मुझे तमिलनाडु से मनाली के लिए भेजना था। तो मैं बताता हूँ इसमें मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो दोस्तों, दिल्ली में मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम है रंजीत कुमार, बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं यार, जिनका मैं शुक्रिया अदा अभी तक करता हूँ। तो मैं ये तमिलनाडु से दिल्ली भेजा रंजीत के नाम पे। तो वो रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पर बाईपास के लिए मतलब गेट पास के लिए पैसा देना पड़ा, जगह जगह पैसा देना पड़ता है यार। तो वो ये बर्ड से रिसीव किए। एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग जैसे बोलते हैं बहुत से भाई ऑर्डर करते हैं, तो भाई जब ये अपने पास आते हैं तो इनका वेट कम हो जाता है, तो वेट की गारंटी नहीं रहती दोस्तों, क्योंकि लंबा सफ़र रहता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, कभी कभी 1 सप्ताह का भी सफ़र रहता है, तो इसमें वेट कम हो जाता है लेकिन चिक्स का मरने का कोई चांस नहीं रहता। सब चीज़ का ध्यान रखा जाता है, जो भी उसका पैकिंग वाला टोकरी रहता है या फिर जिस बॉक्स में भी पैक किया जाता है वहाँ पर बाकायदा से दाना पानी से लेके उनके खाने पीने का सभी चीज़ का व्यवस्था रहता है। लगभग 4 दिन 5 दिन तो आराम से वो रह जाते हैं टोकरी के अंदर ही। तो ये दिल्ली के अंदर 2 या 3 दिन में पहुंच गया, तो इनका वेट भी थोड़ा कम था और ये गर्मी का सीजन था दोस्तों, देख रहे हो मुंह मुंह फाड़ रहे हैं, पानी वगैरह पूरा वहाँ से गिर चुका था और तरबूज वगैरह जो डाले थे पूरा ख़त्म हो चुका था। तो ये बच्चे थोड़े कमज़ोर हो गए थे और हाँफ रहे थे, जैसा कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो। सारे बच्चे फर्स्ट क्लास है भाई, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़े थके हुए हैं इसलिए ऐसे लग रहे हैं। मैंने भी पहली बार मंगाया था, मेरी भी बहुत हालत ऐसी हो रही थी, लेकिन क्या करें भाई, 3 दिन का सफ़र होता है ना। लेकिन भाई की चीज़ बिल्कुल ठीक होती है सारी। तो दोस्तों, अभी आप जो सुने वो रंजीत भाई का आवाज़ है। तो दोस्तों, ये अभी आप जो देख रहे हो टोकरे के अंदर टोटल 8 बच्चे हैं और ये बड़े बड़े साइज के बच्चे हैं। आपको भले टोकरा छोटा लग रहा होगा लेकिन सच बता रहा हूँ, टोकरा का साइज भी बहुत बड़ा है दोस्तों। यार इनको मैंने टमाटर दे दिया, खा रहे हैं। दोस्तों, इनकी बढ़िया से मेहमान नवाजी करने के बाद अब इनको दिल्ली से भेजना था मनाली।
तो जैसे ही ट्रेन से ये 3 बजे रिसीव हुए, इनकी मेहमान नवाजी, इनकी खातिरदारी चालू हो गई। उसके बाद खाना पीना इनका जैसे कंप्लीट हुआ, फिर दिल्ली से मनाली भेजने के लिए अपने को जाना था मंजुलू टीला। मंजुलू टीला पर बस मिलता है दिल्ली से डायरेक्ट मनाली के लिए। तो वहाँ शाम के 7 बजे बस निकलती है और सुबह 9 बजे के आसपास वो मनाली पहुंचती है। तो 3 बजे से जैसा ही रिसीव हुआ, उसके बाद से ये बड़ा सा टोकरा इनके जो पिताजी से रंजीत भाई के, वो बाइक में पीछे पकड़ कर बैठे रहे। और 3 बजे से 7 बजे तक का जो सफ़र था दोस्तों, उस दिन का मैं क्या बताऊँ, बहुत परेशान हो गए सामने वाला भी और मैं भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मनाली भेजने का और उतना उनको भी नॉलेज नहीं था। और बस वाले से बात किए, वो 2-3 बार इतना घुमाया गया यार, और बस मिस हो गया। तो उस दिन ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ और उसके दूसरे दिन इनके यहाँ इनकी जो मौसी या चाची, उनका 13वीं का काम था, तो उस दिन भी ये चिक्स उनके पास रेस्ट किए। उनके सेकेंड दिन जब ये फ्री हुए रंजीत भाई, तब इनको मनाली के बस के लिए भेजे, तो एक दूसरा बस वाला मिला। बढ़िया, उनका व्यवहार बढ़िया था। वो बस वाले रेडी हो गए कि ठीक है भाई, हम मनाली के लिए ले जाते हैं, इतना इतना खर्चा लगेगा करके। और बस वाले का जो खर्चा था, मैं यहाँ से फ़ोन पे कर दिया, और रंजीत भाई का जितना मेहनत का पैसा था, मैं वो सभी फ़ोन पे कर दिया। और ये बस में मेरे फ़ोन पे करने से पहले ही यार ये बस में डाल चुके थे, और बस से ये मनाली के लिए निकल गए। कल भी भाई साहब, परसों इतना हम रहे जिसका कोई हल नहीं। हाँ, पूरा छेद है, पूरे हर जगह से, साइड से, हर जगह से जितने है ना, टोकरी है पूरा, छेद कर दो हर जगह से। ये है भाई नंबर, तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जितना बड़ा सिटी उतना ज़्यादा खर्चा आता है ट्रांसपोर्ट में। जगह जगह पैसा वसूलने वाले होते हैं यार, तो ट्रांसपोर्ट का चार्ज आप लोगों को बता दूं, फिक्स नहीं होता। तो बाकी वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और सेल पर्पस की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।